सभी को नमस्कार, मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। आज हम मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और रेगुलरली एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स 3x² - kx + 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के सम ऑफ जीरोज गिवन हैं, उनका मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा रिलेशन होता है कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। एज यदि हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल्स से 3x² - kx + 6 को ax² + bx + c से, तो a इज 3 और b इज -k और c इज 6 होगा। देन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। देन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा गिवन है 3, देन अल्फा प्लस बीटा इज 3, देन 3 इक्वल टू -k/3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k = 9। सिंपल वन मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही वन मार्क्स में आता है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स ऑफ ax² + bx + c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b, α² + β². अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, तो कुछ आइडेंटिटीज हमारी α² + β² α³ + β³ 1/α + 1/β 1/α² + 1/β² इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो रिलेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली हमारे पास सम ऑफ जीरोज पर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर। जो भी वैल्यूज पूछी जाएगी सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए, और उसके बाद जो आइडेंटिटी हमें चाहिए होती है, जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है, एज α² + β² = α + β² - 2α β होता है। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ α + β -b/a एंड α × β = c/a, देन सिंप्लीफाई ऑफ दिस एज -b/a² b² / a² -2c/a, नाउ टेकिंग एलसीएम इज b² - 2ac/a² इज वैल्यूज ऑफ α² + β² α² + β² की वैल्यू b² - 2ac/a² होगी। जो हमें पूछा गया α² + β² ये रिजल्ट आ गया। सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। एज हमने लिया कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हूज जीरोज आर -4 and -5। मतलब क्या हुआ कि यहाँ में अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, जीरोज गिवन है। जब जीरोज गिवन है और पॉलीनोमियल्स फाइंड करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जनरली हम दो मेथड से हम निकाल सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² + bx + c से, देन सेकेंड एक पॉलीनोमियल्स स्टैंडर्ड हम मानते हैं जिसको हम रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल्स कहते हैं, α² - α+β (x) + α(β), मीन्स α² - sum of zeros (x) + product of zeros। ऑल्सो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं समरी ऑफ चैप्टर्स में। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ जीरोज फाइंड ऑफ किए हमने, एज सम ऑफ जीरोज मतलब α + β (-4) and -5) - 9, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -4 - -5 = +20। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ α + β and α × β एंड दिस रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल्स, देन x² - -9x + 20 x² + 9x + 20 इज द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल्स हुज जीरोज आर -4 and -5। नाउ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स वेयर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन उस टाइप के हैं। सम ऑफ जीरोज मीन्स α + β = -6 and α × β = 5।
तो हम सम ऑफ जीरोज गिवेन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवेन है, तो हम तब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स को कैसे फाइंड करेंगे? आल्सो सेम प्रोसेस, सेम आइडेंटिटी, सेम पॉलीनोमियल्स हम यूज करेंगे और यहाँ सम ऑफ जीरोज डायरेक्टली पुट कर दें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट कर दें, देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस सिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज फाइव. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, देन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज अ रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल्स. ये पॉलीनोमियल्स तब है जब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन थे. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? हमारे पास जीरोज गिवन थे. नाउ डिफरेंट एक क्वेश्चन कि इफ ए पॉलीनोमियल्स पी एक्स इज के स्क्वायर माइनस फोर्टीन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ट्वेल्व एंड अल्फा प्लस बीटा इज वन. इसके कहने का मतलब है कि एक पॉलीनोमियल्स है जिसमें सम ऑफ जीरोज वन है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, उसके बेस पर हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ के को. बट रिलेशन गिवन है सम ऑफ जीरोज इज वन, बट व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज? माइनस बी अपॉन है. हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल्स से, तो यहां पर हमारे पास वैल्यूज क्या होगी? सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन है आल्सो वन, देन माइनस माइनस टू, माइनस टू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस फोर्टीन आल्सो इक्वल टू वन. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन के स्क्वायर माइनस फोर्टीन इक्वल टू टू और के स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन, देन एम्प्लाइज के इक्वल टू प्लस माइनस फोर. के की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव बहुत हो सकती हैं, दोनों में हमारे पास ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा. सेम आगे क्वेश्चन हम लेते हैं उसी टाइप का. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा वन मार्क्स बजाय ये कंपेरेटिवली टू मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. देन क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स. कंडीशन रिलेशन बिटवीन द कोफिशेंट हमें दिखाने हैं. जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन है कि किसी पॉलीनोमियल्स एज पॉलीनोमियल्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज टू ईच अदर. किसी भी पॉलीनोमियल्स के जीरोज जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो उसने कहा फाइंड द कंडीशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. हमारे पास जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम कंसिडर करेंगे कि यदि रेसिप्रोकल हैं तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक लेट करेंगे कि लेट अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा आर द टू जीरोज, बिकॉज सेकेंड जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट. देन पॉलीनोमियल्स इज पी एक्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी अपॉन ए, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इक्वल टू वन. नाउ सी इक्वल टू ए और ए इक्वल टू सी, बट वट इज ए? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आल्सो इक्वल टू कॉस टेन टर्म्स. इट इज कॉस रिलेशन एंड कंडीशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स व्हेन द रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज टू ईच अदर. नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है जिसमें कहा जाता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स. मीन्स हमें फैक्टर करने होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करें उससे हमें फैक्टर्स मिलेंगे. फिर एक क्वेश्चन और भी आता है जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आगे और क्वेश्चंस लेकर के डिस्कस कर लेंगे. अभी हमें फाइंड करने हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल्स. तो इस टाइप के पॉलीनोमियल्स में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है, हम कंपेयर करते हैं दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट टर्म्स को, दैट्स ए स्क्वायर टू रूट थ्री, बी इक्वल टू माइनस एट, सी इक्वल टू फोर रूट थ्री. देन ए और सी को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री मीन्स ट्वेल्व, और एट को ब्रेक करेंगे तो माइनस टू एंड माइनस सिक्स. तो हमने एट को मिडल टर्म को ब्रेक किया जिसमें हमारे पास रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर रूट थ्री की फॉर्म में हमारे पास फोर टर्म्स आ गई. और फोर टर्म्स में हमारे पास जो टर्म्स हैं हम यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स इज रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू, एंड माइनस टू रूट थ्री कॉमन लेंगे तो रूट थ्री एक्स माइनस टू. देन वी गेट इज द टू फैक्टर्स एज फर्स्ट इज रूट थ्री एक्स माइनस टू एंड सेकेंड एक्स माइनस टू रूट थ्री. देयरफोर जीरोज ऑफ दिस
बाय एक्स इज टू 2/√3 और 2√3/3 ये हम रैशनलाइज करने के बाद हमें ये मिलेगा, देन एक्स इज ऑल्सो 2√3। हेंस द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल्स एज 2√3/3 एंड 2√3। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें बहुत सारे मिलेंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, और इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हमें 1 बाय 1 प्रैक्टिस के लिए कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस और लेकर के इनको डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे कि ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम लिस्ट आउट कर सकें और फ्यूचर में हमारे पास एक नोट्स इस तरह के बन जाएँ जिससे हम शॉर्ट्स टाइम पर भी इनको रिवाइज करके अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन एक अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इनमें सभी क्वेश्चन इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि ऑल टाइप्स क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाएं। तो हम इस बार क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हुज जीरोज आर इन फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन लिख लिया था जिनके जीरोज रैशनल नंबर में थे या फिर इंटीजर्स थे। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिनके जीरोस इरेशनल नंबर की फॉर्म में आए। तो जीरोस गिवन है 3+√5/5 एंड 3-√5/5। सिंप्लाई करेंगे, सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस भी अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3+√5/5+3-√5/5। यदि हम फर्स्ट को अल्फा और सेकंड को बीटा कंसीडर कर लें, अल्फा इज 3+√5/5 और बीटा इज 3-√5/5, तो दोनों को सम करेंगे और सम करने के बाद हमारे पास रूट फाइव कैंसिल होगा क्योंकि अपोजिट साइन है। 3+3 6/5 हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। नाउ फाइंड आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा मीन्स दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 3+√5/5 एंड 3-√5/5। न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है a+b (a-b), तो a² - b² मीन्स 3² = 9, √5² = 5 डिवाइड बाई 5 × 5 = 25। मीन्स रिजल्टेंट आया हमारे पास 9-5 = 4/25। तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया एंड सम भी आ गया ऑफ जीरोस। तो रिक्वायर्ड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स x² - sx + p एज फॉर सम ऑफ जीरोस एंड पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम की वैल्यू हम एस को रिप्लेस कर देंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू पी को रिप्लेस कर देंगे। नाउ टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस पॉलीनोमियल्स, नाउ टेकिंग द 1/25 इज आउटसाइड कॉमन, देन दिस इज 25x² - 30x + 4 एज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन से बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि हमें सबसे पहले कहाँ जाता है कि हमें जीरोज को फाइंड करना है, उसके बाद हमें इनको वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट के साथ। तो जीरोज फाइंड करने का एक क्वेश्चन हमने लास्ट एक लिया था, अब यहाँ भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यू है, बस पार्ट ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन बाकी डिफरेंट है। तो हमें यहाँ क्या करना है, पॉलीनोमियल 6x² - 7x + -3 को फैक्टराइज करना है, जीरोज निकालना है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 7 को मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 6 3 = 18 और 18 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका सम और डिफरेंस 7 आ जाए। तो 9 and 2 आर टू नंबर्स, its difference is 7 and product is 18. We can write 6x² - 9x + 2x - 3. Now taking 3x is common, then 2x - 3, taking 1 is common from this pair, 2x - 3. Now taking 2x - 3 is also common, then second bracket is 3x + 1. So we have these two factors of this polynomials, but now find zeros. तो 4 जीरोज आर 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0, देन 2x = 3 और x = 3/2 और 3x = -1 और x = -1/3 आर 2 जीरोज।
तो फर्स्ट जीरो हमारे पास आ गई 3/2 एंड सेकेंड आ गई -1/3। अब हमारा पार्ट वो पार्ट बच गया जो वेरीफाई हमें करना है, तो वेरीफिकेशन करेंगे। वेरीफिकेशन में हम कंपेयर करेंगे व्हाट इज ए बी सी, तो ए इज 6, बी इज -7 और सी इज -3। नाउ फाइंड द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3/2 प्लस -1/3। वी कैन राइट ऑफ 3/2 -1/3। नाउ टेकिंग द एलसीएम इज 6, तो 9 -2/6 मीन्स 7/6, बट वी कैन राइट -(-7/6). वी कैन फॉर्म एज डेवलप टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स b/a। कोफिशियंट ऑफ एक्स इज बी एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, तो ये हमारे पास टर्म्स हो गया कि जीरोज का सम जो है वो -b/a की फॉर्म में आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज 3/2 इंटू -1/3 इज -3/6, बट -3 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड 6 इज अ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो एज इक्वल टू c/a। द रिलेशन वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जीरोज का और उनके कोफिशियंट का रिलेशन जो वेरीफाई हमें करना था वो हम कर दिया हमने। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलीनोमियल्स ऑफ दिस, शो दैट द रिजल्टिंग पॉलीनोमियल्स इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय अदर पॉलीनोमियल्स। एक और पॉलीनोमियल्स हमें दे दिया है उससे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास यदि कुछ रिमाइंडर आता है तो उसको रिमाइंडर को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन पॉलीनोमियल्स है हम उन दोनों को रिलेशन यूज करेंगे, मींस जो हायर बाय क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स है उसको क्वाड्रिक पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे एज ए लॉन्ग डिविजन। एज एक्स स्क्वायर -4x+3 से हम एक्स की पावर 4, 2x³, -13x² -12x+21 को डिवाइड करते हैं एज लॉन्ग डिविजन। लॉन्ग डिविजन भी आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का 100% आएगा ही आएगा डिविजन यूज करने के लिए। तो नाउ एक्स स्क्वायर में हम किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें जो ये एक्स पावर 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर को फिर -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ होगा, एक्स स्क्वायर को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा। जनरली इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेकेंड जो पॉलीनोमियल्स हमें यहाँ मिला उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो साइन चेंज होंगे, एज पॉजिटिव है तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। देन दिस टू टर्म्स आर सेम बट अपोजिट साइन आर कैंसल्स। नाउ बोथ टर्म आर सो पॉजिटिव, 2+4 इज 6x³, दिस बोथ आर नेगेटिव, 16x², दिस 12x², 12x एंड दैट इज 21 ऑल्सो एज इट सेम। नाउ 6x³ हमें अरेंज करना है, ये टर्म्स को कैंसिल करने के लिए हमें जो टर्म्स यहाँ पर है वही हमें यहाँ लानी है। तो व्हाट विल बी मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर, तो 6x से हम मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में, तो दिस 6x³, 6x से -4 मल्टीप्लाई करें 6 4 = 24x², 6x से 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 6 = 18x। नाउ फर्दर प्रोसेस वही सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो साइन चेंज होंगे माइनस प्लस एंड माइनस, बट दिस आर बोथ टर्म आर सेम बट अपोजिट साइन दीज आर कैंसल। Then both imply that 16x² and 24x², that large number is 24 and sign positive. So 24 - 16 is 8x², then both terms are negative, so add करेंगे, then 18 + 12 is 30x and 21 is also. Now come same 8x² हमें यहाँ लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x², 8 4 = 32x एंड 8 3 = 24। नाउ फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे देन साइन चेंज होगा तो माइनस प्लस एंड माइनस, देन 8x² 8x² एज अ सेम नंबर बट अपोजिट साइन, तो इट्स कॉल्ड कैंसल्स। देन 32 इज मोर देन नंबर टू 30, देन लार्ज नंबर इज पॉजिटिव, तो 32 - 30 इज 2x एंड 24 इज नेगेटिव टू 21, तो -3 इज दिस रिमाइंडर।
तो रिमाइंडर वी गॉट इज रिमाइंडर इज 2x-3। 2x-3 इस पॉलीनोमियल्स में एक्स्ट्रा है जो हमारे रिमाइंडर की फॉर्म में मिल गया। यदि हम 2x-3 को इस पॉलीनोमियल्स में माइनस कर दें तो हमारे पास वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। Therefore, 2x-3 should be subtracted from this polynomials. Then, remaining polynomials is exactly divisible by x square minus 4x plus 3 as complete.